अस्सलाम वालेकुम, फरमान अली प्रोफेशनल पॉलिशमैन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है, जिसमें आज हम आपको चॉकलेट ब्राउन कलर बनाने का तरीका बताएंगे। मिट्टी के तेल में हमने कलर बनाना है और ये आयल ट्यूब कलर है। सबसे पहले आपने इसके अंदर ब्राउन कलर की आयल ट्यूब डालनी है, उसके बाद आपने इसके अंदर सादा वार्निश डालनी है। पहले हमने इसके अंदर ब्राउन कलर की आयल ट्यूब का कलर डाला, ये देखें आपके सामने। उसके बाद हमने इसके अंदर सादा वार्निश डाली है, ये सादा वार्निश है ब्रैक होरसालों की। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ये देखें आपके सामने। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ब्राउन कलर की आयल ट्यूब ये सब पेंट वाली शॉप से मिल जाती हैं, ये भी एक कलर होते हैं। ब्राउन कलर की आयल ट्यूब और सादा वार्निश को पहले आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा लाल सियाना डालना है, ये देखें आपके सामने। हमने इसके अंदर थोड़ा सा लाल सियाना डाला, ये देखें ये लाल सियाना है। इसको लाल मिट्टी भी कहते हैं इंडियन ज़बान में, इसको इंडियन वाले इसको लाल मिट्टी कहते हैं। जो पाउडर कलर होते हैं पीला, उसको पीली मिट्टी कहते हैं। इसी तरह पॉलिश वाले इसको लाल सियाना भी कहते हैं। लाल सियाने को भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना। उसके बाद आ जाता है फोल पीला, ये फोल पीला है, इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसके अंदर। ये पाउडर कलर है, पहले हमने आयल ट्यूब कलर ब्राउन कलर की आयल ट्यूब डालनी है आपने। उसके बाद आपने लाल सियाना मिक्स करना अच्छी तरह। उसके बाद आपने पीला फोल पीला रंग मिक्स करना है, एक पीला सियाना होता है एक फोल पीला होता है, लेकिन आपने फोल पीला रंग मिक्स करना है अच्छी तरह। ये देखें आपके सामने, हमने अच्छी तरह इसके अंदर फोल पीला रंग मिक्स किया। फिर बाद में आपने इसके अंदर मिट्टी का तेल डालना है, जितना को आपने कलर बनाना है उस हिसाब से आपने मिट्टी का तेल डालना है, और ज़्यादा पतला कलर नहीं करना। जितना आपने कलर बनाना उस हिसाब से आपने कलर मिक्स करने हैं, और उतना ही मिट्टी का तेल डालना। फिर दोबारा आपने इसके अंदर पाउडर कलर मिलाने हैं, जो कलर आपने करना है, यानी कि तेज़ करना है तो ज़्यादा आपने पीला सियाना और डाल देना है, फुल पीला रंग और डाल देना है आपने। अच्छी तरह मिक्स करना है आपने इसको। फिर बाद में आपने एक लकड़ी का पीस लेना, उसके ऊपर आपने सैंपल लाकर दिखाना है ये कलर वैसा हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ वैसा जिस तरह का आप चाहते हैं, फिर आपने उस हिसाब से आपने कलर मिक्स करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो दूसरे डब्बे में है वो पहले बनाया था हमने कलर, और ये जो आपके सामने अभी बनाया है, दोनों एक जैसा कलर, ये देखें आपके सामने अभी बिल्कुल एक जैसा कलर नज़र आएगा आपको। अगर ना एक जैसा कलर हो तो आपने उस हिसाब से, ये पाउडर कलर है पीला सियाना लाल सियाना, उस हिसाब से आपने ये कलर मिक्स करके एक जैसा कलर कर लेना है। ये देखें आपके सामने, हम दरवाज़े पर लाकर भी दिखा रहे हैं, वही डब्बा है, वही कलर जो बनाया वही कलर है, और ये देखें चॉकलेट ब्राउन कलर बन गया है। अगर आपने इस तरह का कलर बनाना है तो ये हमने वीडियो अपलोड कर दी है, और ये बहुत ही प्यारा कलर है। इसके ऊपर जब फिनिशिंग आएगी तो बहुत ही प्यारा यह कलर हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।